बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बैंक अल हबीब की इस्लामिक बैंकिंग के बारे में। बिना सूद के हलाल तरीके से जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है, उस अकाउंट के बाद बात करेंगे महाना आमदनी अकाउंट के बारे में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आ जाना है islamic.bankalhabib.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने आना है पर्सनल बैंकिंग के अंदर, और उसके बाद पर्सनल बैंकिंग में आने के बाद आप लोगों ने आना है टर्म डिपॉजिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है इस्लामिक महाना मुनाफा। अब इस्लामिक महाना मुनाफा जो इसका अकाउंट है अल हबीब इस्लामिक महाना मुनाफा, इसके अंदर आपको जो महाना मुनाफा दी जाता है वो बिल्कुल शरी असूलों के ऐन मुताबिक होता है। आप लोग बिला झिझक चाहे वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके जो मेन फीचर्स क्या हैं वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने वाज़े मेंशन किया हुआ है बेस ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ मुआरबा, तो आपको ये इस्लामिक मुआरबा के ऐन मुताबिक होगा। कोई इसके अंदर जसूद वाला या फिर दूसरा सीन कोई भी नहीं है, बिल्कुल हलाल है और इस्लामिक असूलों के ऐन मुताबिक है। ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जो बिल्कुल हलाल हैं इस्लाम के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे टेन्योर अवेलेबल होते हैं 1 साल से 3 साल तक के लिए, तो आप लोग जिस टेन्योर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो महाना मुनाफा होता है वो महाना मुनाफा अकाउंट है वो आप लोग 25,000 रुपये से ओपन करवा सकते हैं, यानी कि 25,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी ये बैंक अल हबीब का महाना मुनाफा इस्लामिक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। जो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा वो महाना बेसिस पे होगा, हर मंथ आपके अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अर्ली इन्हेसमेंट इज़ अलाउड एज़ पर अप्लाईबल टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप लोग वक्त से पहले अपनी पेमेंट को निकलवाना चाहते हैं तो वो भी होगा, ओपन निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लागू होगी। विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड ज़कात विल बी अप्लाईबल एज़ पर लॉज, और जो के बनता है फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30%। अगर आप लोग यहां से अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका फॉर्म यहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां से डाउनलोड करके आप लोग उसको फिल आउट करके जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग बैंक जा सकते हैं वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, और इनकी जो नियरेस्ट ब्रांच है आप लोग उस पे भी जाके इनसे बातचीत कर सकते हैं। अब इसके प्रॉफिट रेट की बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए हमें जाना है जी इंफॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ से हमें ओपन करने हैं हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स, और यहाँ से इसको करेंगे ओपन। यहाँ पर हमें January 2022 के डाउनलोड कर लेने हैं, ओके करके ओपन करेंगे, और उसके बाद जी प्रॉफिट रेट की लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो हमें पहले यहाँ पे देखना होगा। हमारा है जी टर्म डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म डिपॉजिट, और हमारा जो शुरू हो रहा है वो 25,000 से शुरू हो रहा है, तो हम लोग जाएंगे टर्म डिपॉजिट के अंदर, और यहाँ से हमें जाना है जी 1 ईयर 25,000 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला है जी 1 ईयर 25,000, और ये वाला जी प्रॉफिट पेड बाय मंथली, ये वाला है जी हमारा 25,000 से ये हम स्टार्ट हो रहा है, तो मंथली प्रॉफिट है। उसके बाद 3 ईयर्स में भी ये वाला है, और 2 ईयर में भी होगा डेफिनेटली, बल्कि 1 और 3 ईयर के सिर्फ ये दो ही टेन और आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वह 7.75, तो आप लोग इनके प्रॉफिट रेट देख सकते हैं, पहले डाउन थे, अब इसके प्रॉफिट रेट कंटिन्यूसली जो है वो अप हो रहे हैं। फिलहाल करंटली आपको 1 लाख के ऊपर 7.75% प्रॉफिट रेट मिल रहा है। अगर उसे हम कैलकुलेट करें तो देख लेते हैं कैलकुलेट करने के बाद कितना बनता है। 1 लाख को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7.75 से और परसेंटेज को ऐड करेंगे, तो जी 7750 बनता है। अगर आप इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 645 रुपये। अगर इसमें से आप फाइलर के 15% टैक्स काट लेंगे जो कि 15% बनता है, तो आपके पास आएंगे 548 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो इसमें से मज़ीद 15% टैक्स कटेगा, और उसके बाद आपको मिलेंगे 466 फॉर नॉन फाइलर, और फाइलर को मिलेंगे 548 रुपये टैक्स कटने के बाद। ये अमाउंट मंथली आपके
अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाएगी, जो कि बैंक अल हबीब कहता है इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक है। वरना तो और बहुत सारे बैंक हैं जो कि अच्छा रेट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो इस्लामिक नहीं लगाती हैं साथ। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये बैंक आपको ये यकीन दिलाता है कि ये सूद से पाक है, तो इससे तो ये लगता है कि ये पाक होगा। बहरहाल आप अपने लिहाज से इसे कन्फर्म भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।